नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं नवा रायपुर के किसानों के बीच ये दिखाने के लिए कि 60 दिन आंदोलन के पूरे होने के बाद किसानों का है हाल। आज तस्वीर कुछ अलग है, आज तस्वीर कुछ जुदा है। आज जो है मैं ये दिखाऊंगा कि नवा रायपुर के किसान क्यों कर रहे हैं पैदल मार्च, और वो हाथों में क्यों लेकर के पहुँचे हैं कागज़, और क्या दिखाना चाहते हैं वो अपने आंदोलन के जरिए। आंदोलन के 60वें दिन आज जो निर्णय हुआ उसके मुताबिक अपील प्रस्तुत कर रहे हैं किसान, और जब बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचे हैं तो वो अपने हाथों में कागज़ लेकर पहुँचे हैं। किसान आंदोलन जो कि नवा रायपुर में जारी है उसमें ऐसी तस्वीर आज 60वें दिन पहली बार दिखाई दे रही है। तमाम जो गाँव के किसान हैं वो पहुँचे हुए हैं, सबके जो है खुश रहिए भैया, खुश रहिए। और ये तेंदुआ, नवागांव, खपरी, काया बांधा, बंजारी, सेन, करका भाटा, ऐसे तमाम जो गांव के नाम हैं उन सब के नाम लगे हुए हैं उसमें। किसान उसी रूप में बैठे हुए हैं और वो अपने साथ जो है वो कागज़ लेकर आए हैं, यानी कि ज़मीन अधिग्रहण की जब शुरुआत इस नवा रायपुर के 27 गांवों में हुई थी तब से लेकर अब तक किसान इसी तरह से कागज़ों के साथ जूझ रहे हैं। ये देखिए, सबके पास जो है अपने कागज़ हैं, रिकॉर्ड है, अपील है, और ये अपील का सिलसिला जो है सालों साल से चल रहा है लेकिन निराकरण नहीं हुआ है। बंडल दर बंडल जो है तैयार होते चले गए हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं समूह में कि कैसे समाधान निकलेगा। आप तस्वीर देखिए, अंदाज़ा लगाइए, का हाल के ज़रिए आप इस हाल को देखिए, किसानों का हाल आप देखिए और समझिए इसे। आप देखकर समझने की कोशिश करिए कि ये किसान कितने परेशान रहे होंगे और इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कितनी व्यापक है। और यही वजह है कि जब तीन दौर की जो बैठक हो चुकी है सरकार के साथ उसमें अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तो किसान जो पहुँचे हुए हैं कागज़ लेके, ज़रा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। ये रखे हो सब जने बंडल का है ये? हाँ, हम ये फार्म 1200 वर्ग फुट जमीन वाला है, जहूँ कहे सरकार थे न, और दूसरा बसाहट के पट्टा दू बोले हैं, जैन में आज से हमन 100 साल 50 साल पहली बसे हैं, ओकर हमन पट्टा मांग करत हन। ये ला सब अपन अपन घर के जाही और बोला सरकार के जो आदमी बैठे रही ऑफिसर ओला देना है, पावती लेना है, ओकरे बरे है। देबो कहा सरकार? हाँ, सरकार तो देबो कहा, फिर वही देबो कहा थे जेन 2012 में 18 साल के हो गए रही से ओला देबो कहा नहीं आ। चलो बताओ आप, ये नहीं आवा है जब एक मिनट रुका, पहले बाबा के सुन था क्या आंदोलन का थे, टीवी में आवा है काबा नहीं आवा है, पेपर में काबा नहीं आवा है, मैंने तोला पूछा ना काबा नहीं आवा है। कहाँ नाम है आपके? सद्दुघन यादव। कहाँ रहते हो? रिको। रिको, हाँ। कत का दिन से आंदोलन में आते हो? कौन है, आज तीसरा महीना हो गया, अभी तो दो महीना हो, आज 60वां दिन है। कैसे हो? आज 60वां दिन है, तीसरा महीना हो आज। बताओ भैया 60वां दिन है। कैसे करा? क्या तारीख ले शुरू हुए जाने? क्या तारीख ले शुरू हुए? 3 तारीख से। 3 कौन सा महीना? अरे वो चाहिए, हम दिमाग में नहीं रखे रहने वाला। 3 जनवरी? हाँ, और मैं 3 जनवरी ले आता हूँ। हाँ, ये सब किसान मन है ना? हाँ, वो मोला चिन्हते हम नहीं चिन्ह हटन। आप नहीं चिन्हो, बाकी मन चिन्हते हम नहीं चिन्ह हटन। थोड़ा कोई बात नहीं, मोहन ही चिन्हता हूँ आप है नहीं, आप लोग मोहन ही चिन्हता हूँ। पेपर में काबर नहीं आम है? मैं टीवी वाले हूँ, टीवी वाले काबर नहीं आवा टीवी में, आप लोग दिखाऊंगा पता नहीं है, बाद में समझा। तो आप बताते रहे हो जिन्हें 100 साल से जिन्हें बसाहट है वहाँ पट्टा नहीं है, ओकर हमन पट्टा मांग करत हन, समांगत नहीं है, वो दूहू कई डरे है, बसाहट के पट्टा दूहू बोले है, बोला दे दे का थन। आओ हमार युवा जो 18 साल के हो गए है, कई जन के शादी हो गए, कई जन के शादी नहीं हुई, 18 से 40 साल के बीच में जेकर नाम से जमीन नहीं है बोला सरकार पट्टा दूहू के ओकर घर भर बोला पट्टा दे दे, या जेकर जगह कहीं के नहीं है बोला 1200 वर्ग फुट जमीन दे दे।
तो ये जिन कागज में ये सब बात लिखी है? हाँ, ये मांग पत्र लिखा है ना, ये चीज बराए कह के रिकॉर्ड धरे। हाँ, पूरा रिकॉर्ड धरे ना। हमन देखा तो पूरा समूह अलग अलग गांव वाले मन के सब अलग अलग है रही। हाँ, हाँ। आप मन कौन सा गांव? हम मैं परसदा रहता हूँ। परसदा वाले मन सब परसदा वाला है। अच्छा, सबके रिकॉर्ड सब अपन मांग ला धर के जाही। अपन अपन जो आवश्यकता है वो चीज के मांग धर के जाही, वो पत्रिका धर के जाही। ये परसदा गांव वाले जिन मन इमर बैठे है, ऐसी पूरे जो है गांव की पूरी टीम लगी हुई है। तूता देखिए, कुहोरा देखिए, राखी देखिए, और सब जगह जो है किसान इसी तरह से समूह में बैठ के फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसका समाधान निकले। और वही तस्वीर मैं भी दिखा रहा हूँ, सबके हाथ में कागज है, ऐसा कोई नहीं है जिसके हाथ में कागज नहीं है। ये देखिए अपील सब जो है लेके आया है। कौन कौन गांव के? कौन गांव? तूता। तूता, ये सब का लिखा है कागज में? ये माँ के पट्टा और 1200 वर्ग फीट 1800 पर। आप ये मैं सब ले अलग लिखा, अलग दिखा था, एकदम गजब के लगा था। वैसे कोई बात नहीं है, ओकर से ओकर तो मांगे ना बाबू, मांगे मांगे सब का हमार मन के। हाँ तो हम है जिन्हें ककस का हाथ जिन्हें अलग अलग बढ़िया दिखा। युवा मन है जो 18 साल से ऊपर युवा है, 18 साल से जो ऊपर युवा है ओकर मन के लिए 1200 वर्ग फीट के जमीन देना है। जो सरकार मन से पहले भी मांग रखे गे रही मानबुकी की कह रही, लेकिन आज भी तक पूरा नहीं हुआ है। तेकर कारण 8 सूत्री मांग ला लेकर के धरना प्रदर्शन चला किसान मन के। मैं देखा तो जने सबके हाथ में इसे कागज है, मतलब सब जने रिकॉर्ड पूरा रखे है सब, लेकिन सरकार वाला जने मानत नहीं है। मानत नहीं है, सिर्फ इसी मौखिक आश्वासन देवत है। अभी तक लिखित में कुछ आश्वासन नहीं है ना, अभी तक कोई मांग पूरा नहीं करे। हाँ, और अभी अभी तमी तमी करके आज कतका दिन हो गए, 2005 से लेकर अभी तक देख ले है नहीं। एक कारण नहीं हो तो एक किसान मन के धैर्य बांध टूट गए। एक कारण अब उग्रह के अपन मांग ला। आज आज सरकार ले यही सब कागज ला सौंपना है उमल्ला, ये देखो रिकॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, वो मन आश्वासन भी दे देवो की के, लेकिन अभी तक दे नहीं है। तो आज चेतावनी भी हमन लिखित आश्वासन भी दे चुके सरकार ला कि आज मंत्रालय तक अपन पैदल मार्च शांति मार्च करके जाको ला सब सचिव ला ज्ञापन सौंपना है मांग के बारे में। मांग के बारे में ज्ञापन सौंपना है। और देखिए मैं अलग अलग गांव से तस्वीर, दीदी बने बने 60 दिन हो गए, 60 दिन हो गए। हाँ, 60 दिन ले आओ तो नहीं, 60 दिन ले तो नहीं आता। हाँ, मतलब हम लगातार कागज लेके आए हो? कागज जमा नहीं होकर स्थिति आहन, मतलब 16-17 दिन तक आहन यहाँ आंदोलन में। और गरीब आदमी सर, हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे काला, सब चीज तो लूट ली समर सरकार है। यहाँ तक के हमारे हर चीज लूटे है, यहाँ तक एक ठोक बारी भी नहीं दे हमला। वो हर चीज दूंगी के बोले, मगर कोई चीज हमला नहीं दे है, तो हमन का करके जी खाबन? तो हमन अपन गरीब आदमी काम में चल दे थन, आंदोलन में नहीं आ सकन। 10-12 दिन तक से आन आंदोलन में, ओकर बाद आंदोलन लगन कर दे हमन आए बार। गरीब आदमी छोटे छोटे बच्चा है तो बच्चा कामे पोसबो। ये बात तो हम लोग बेरोजगार कर दी, कोई जगह काम में जाथन में आथन एनआईडी में काम दे सर की के, तो माथ लैसे धर के बैठे, मेरे पास काम नहीं है, मैं कहाँ से काम दूं ऐसे की के। तो गरीब आदमी का करबो, रेजा कुली काम करके अपन जिंदगी गुजारा थन अपन लोग भाग के। और ये देखिए यही दिखा भी रहा हूँ मैं जो है, और पीड़ा जो आप इनकी सुनेंगे कहानी, तो बाकी में ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं सालों से। ये एनआरडीए का परिसर है, आज इस परिसर को पूरी घेराबंदी कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, तार से घेर दिया गया है। इन्हें लगता है कि कहीं किसान जो है अनियंत्रित ना हो जाए और वो एनआरडीए परिसर में ना चले जाए। हालांकि 60 दिनों में कभी किसानों ने अपना आपा नहीं खोया है, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी। और ये देखिए, सब अपना कागज़ दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो है इन इतने सालों में पाया क्या है और खोया क्या है। का लिखा है? सब ये अपना मांग है जो 2 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। अभी तक से सरकार तो ध्यान नहीं दे रहा है, फिर आज से आज 3 रैली है, 3 तारीख है, फिर आज रैली है। तो इसको ज्ञापन सौंपेंगे, इसको जमा करेंगे मुख्यमंत्री। कौन से गांव के आप? तूता गांव से है अपन। हाँ, तो कटका जिन्हें आप जमीन मिलना रही साहब?
अब 1200 वर्ग फीट वाला जमा करना है आज, और जो पट्टा है घर का उसका है उसी को जमा करना है आज। तो इसलिए हम लोग सुबह से आज लगे हुए इसी काम में कि जमा हो जाए, सरकार हमारे बात मान ले करके, लेकिन सरकार अभी तक कुछ ध्यान नहीं दे रहे ठीक से, बस जनता को परेशान कर रहे, बस यही बात है। तो ये देखिए, जहाँ जाएंगे आप नज़ारा इसी तरह से दिखेगा, समूह में जो है लोग बैठे हुए हैं, हाथों में कागज़ लिए हुए हैं। ये कागज़ जो होती है वो बड़ी चीज़ होती है, कागज़ के आधार पर ही सारी चीज़ें तय होती है। अगर जिसके पास अपनी मांगों को लेकर, जिनके पास अपना रिकॉर्ड नहीं है, कागज़ नहीं है, वो समझ जाइए कि इस नवा रायपुर के किसान है या नहीं है, ये भी सरकार तय नहीं कर पाएगी। इसलिए सब कोई आज जो है अपना एक कागज, एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, और वो दस्तावेज लेकर के सरकार को प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे कि सरकार हमें जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं, हमें ये चाहिए, और यही वो दिखा रहे हैं। और यहीं से मैं भी दिखा रहा हूँ कि क्या हाल है, में ये तस्वीर आप देख भी लीजिए। सब गांव के लोग आज यहां पे पहुंचे हैं, 27 गांव के लोग, और 27 गांव के लोग सिर्फ आज अपना दस्तावेज लेकर के पहुंचे हैं, कागज लेकर के पहुंचे हैं, और सबका जो है अपना नाम लिखा हुआ है, तैयार है। और ये देखिए समूह के समूह जो है बंडल आप दिखाइए मेरे को, ये ऐसे बंडल पे बंडल तैयार है। ये आवेदन की संख्या यहाँ पे गिनती नहीं की जा सकती, इतनी आवेदन की संख्या होगी। और अब तक कत का कना आगे तोर कना गिनती नहीं है, गिनती नहीं है ना, गिनती नहीं की है ना सर। अभी कौन सा गांव? हम लोग ग्राम तेंदुआ नया रायपुर से हैं। तेंदुआ जी हाँ। और तेंदुआ गांव के घरों की ये परेशानी है, पट्टा नहीं है? नहीं है सर, पास नहीं है। कत का मिलना रही साहब के हिसाब? 1200 स्क्वायर फीट जमीन बेरोजगार मतलब मिलना चाहिए, हाँ बस 60 मतलब पट्टा मिलना चाहिए। पट्टा कब तक मिलना चाहिए? पट्टा हमारी योग्यता के अनुसार से मिलना चाहिए, जैसे कि अब शासन एग्रीमेंट करवा रही से, जब खेत जब बिक्री करें ना, तो उस समय एग्रीमेंट करवा रही से कि 20% जमीन शहरी क्षेत्र में दिया जाएगा, अधिग्रहित भूमि के 20% जमीन किसान न दिए जाए, ऐसे बोले रही, जबकि हमारा मिले नहीं है। हाँ देखा, तो भारी अकन तैयार। हाँ जी हाँ, हाँ। तो ये सब जने तोरे पास लाख जमा कर, हाँ इकट्ठा यहाँ ले, तेंदुआ के अलग जमा हुई, हाँ हाँ तेंदुआ के अलग जमा हुई। तो पास नहीं है पट्टा जने, है आवासी पट्टा कोई नहीं मिले, कोई पट्टा नहीं मिले। जो पहली आप रमन दिए ना, वही समय पट्टा मिले, तन जग का बाप घास आबादी में बस एक पट्टा नहीं दिए, ये सब बना है सबके सरकार आई, सब चल दी किसान वैसी वैसी, हाँ किसान के हाल नहीं बदले, किसानों का हाल नहीं बदला है। और मैं ये भी 60 दिनों से दिखा रहा हूँ कि किसान किस तरीके से परेशान है, उनका हाल का है। तो 60 दिन आंदोलन को हो गया, और 60 दिनों में भी किसानों की मांग अब तक पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है, और यही वजह है कि किसान मंत्रालय तक जा रहे हैं, अपील प्रस्तुत कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि देखिए आपने हमारी मांगे, ये मांगे जो है वो पूरी नहीं की है। तो क्या हाल है, मैं लगातार मैं दिखा रहा हूँ, हर बार यही दिखा रहा हूँ। ये देखिए आज का नज़ारा कुछ और है, अभी तक मैंने आपको उन लोगों के बीच लेके गया जो कि कागज जो है और लिए बैठे हुए थे, और बता रहे थे कि ये हमारे पास कागज है, रिकॉर्ड है, और आप देखिए कि सालों साल से हम ये कागज इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं आया हूँ किसान नेताओं के बीच में, और किसान नेता जो कि इस पूरे आंदोलन को संभाले हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनसे सुनते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये नज़ारा है NRDA परिसर का। 60 दिन हो गए रूपन जी, यहाँ से दिल्ली भी चले गए हो, दिल्ली से वापस भी आ गए हो, लेकिन हालात नहीं बदले। वो तो सरकार बता ही ये बात, आज स्थिति जो है सरकार नहीं माने की वजह से तो ये स्थिति निर्मित हुए। अभी तो ये झलक है, कहा था पिक्चर अभी बाकी है, अभी अनेकों कार्यक्रम है, पूरा छत्तीसगढ़ के किसान एक होने वाला है, छत्तीसगढ़ के सम्भव आंदोलनकारी एक होने वाला है, सरकार के कहने की हर क्षेत्र में
जाना आना पर प्रतिबंध लग जी, सरकार बात मान ले, किसान के ऊपर न्याय कर दे। तो ये पिक्चर अभी जिन बाकी है कहा तो वो पिक्चर होने का वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। राकेश सिंह साहब भी हमारे साथ आने वाला है, राष्ट्रीय नेता आने वाला है, जोला ये सरकार बोलते हमारे दोस्त है, हमारे भाई है। लेकिन सरकार जिन्हें रोज विज्ञप्ति जारी कराते हो बताते कि हम आपके 6 मांग पूरा कर दें, बाकी है वो भी पूरा कर। वो बात जो है 12वीं बैठक 2012 की है, 2012 की है, उसमें भी अगर मगर किंतु परंतु है, जिस बात को हमने ठुकरा दिया है वो प्रदेश में लागू कर दे राज्य सरकार। वो लागू नहीं होता? नहीं नहीं, वो लागू जो करना चाहता है वो पूरा प्रदेश में लागू कर दे, वो अपने गांव में लागू कर दे, तो उनको सच्चाई पता चल जाएगा कितनी जमीन है उनके पास, वो मूल जमीन में है कि नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, आराम के साथ चलना ये कानून जो है 27 गांव में लागू करना चाहता है, वो पूरे प्रदेश में लागू कर ले सरकार, तो उसको सच्चाई पता चल जाएगा। आज मैं देखा तो पूरा 27 गांव के लोगों के अलग अलग जन है वो सब लगे फार्म, सब एक एक किसान फार्म लेके आए, कोई बसहाट का पट्टा, कोई आने वाला, कोई आने वाला पीढ़ी कैसे जीवित रहेगा, और जिसकी उम्र आज 18 वर्ष है आज की डेट, उनको पट्टा दे, मतलब स्थित भूखंड दे 1200, ऐसा हम चाहते हैं। तो आज पैदल मार्च, मंत्रालय, अपील, एक मतलब का है? हमन मंत्रालय जो जाथन तो केवल केवल मुख्यमंत्री के निज जो सचिव है ओला एक आवेदन दे बर जाथन, जेमा 1200 वर्ग फीट के पट्टा है और बसाहट के पट्टा है, 1200 वर्ग फीट निशुल्क भूखंड देना है, ओकर लिए जाथन हमन, हा कोई वहाँ हिंसात्मक या तोड़ फोड़ करे बर नहीं जाथन। हमर मन के जो युवा साथी है जेकर 18 साल से ज्यादा उम्र हो गए, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ओला 1200 वर्ग फीट जमीन दे। सरकार नहीं धनकार, सरकार के कहना ये है कि 2012 में जे 18 वर्ष पूर्ण हो है ओला हमन देवो, जेकर पास जमीन नहीं है, जेकर पास कोई भूखंड नहीं है ओला हमन देवो कहा थे, तो आज की स्थिति में बाकी जन युवा संगवारी मन के जेकर 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ओकर मन के का हाल होई, तेकर सती ज्ञापन दे बर जाथन, कोई वहाँ आंदोलन करे बर या तोड़फोड़ करे बर नहीं जाथन। मैं देखा तो पूरा 27 गाँव के लोगन आज कागज लेके आए है, ये का रखे कागज मजे ने, ये कागज उखर पास तो सालों साल से, ये कागज तो उखर पास सालों साल से कई बार हमन दे चुके हैं, लेकिन आज ये सरकार ला ये भीड़ के माध्यम से बताना चाहतन, यदि ते हा आज जो 18 साल के युवा हो गए वोला ते 1200 स्क्वायर फीट जमीन दे और संपूर्ण बसाहट के पट्टा दे, ये संदेश देवर आज हमन मंत्रालय अपन ये आवेदन लेके वही जाथन। तो ये अपील से बात बनी? अपील से बात बनी है इसे तो हमला लगा थे, लेकिन सरकार नहीं मानी तो ये भीड़ तय करी कि आगे के आंदोलन उग्र भी हो सकते, अभी तो हमन जो है गांधीगिरी आंदोलन से अपन आंदोलन ला आज 60 दिन से चला थन, आगे नहीं मानी बात ला हमर तो हमन उग्र भी करबो। चलो उग्र होए की जरूरत नहीं है, आंदोलन जने शांति पूर्वक तरीके से चलत रहे, ये देखो सब दीदी मन जने रैली जने लेके तैयार हो गए जने, ये भीड़ जने ये बताने के लिए काफी है कि अपनी मांगों को लेकर कैसे जो है ये किसान आंदोलनरत बने हुए हैं, और 60 दिनों बाद भी स्थिति अब तक अनुकूल नहीं हो पाई है किसानों के लिहाज से भी, सरकार के लिहाज से भी। तो 60 दिनों बाद का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ काहल ही के जरिए, और किसान आज अपील प्रस्तुत करना चाहते थे, किसान मंत्रालय जाकर के मुख्य सचिव को आवेदन देना चाहते हैं। किसानों की इसी तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ नवा रायपुर से, ये जो स्टॉल लगे हुए हैं इसी तरह से पूरे 27 गांवों के लिए एक स्टॉल तैयार किया गया है, जहां पे किसान अपना आवेदन, अपना अपील लेकर के पहुंचेंगे और उन्हें रिसीव करेंगे ये तमाम जो नवा रायपुर के जो अधिकारी हैं, वो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपील का पूरा एक बंडल तैयार करेंगे और उसे फिर मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा। का हाल है में जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नव रायपुर के किसान हाथों में कागज़ लेकर के पहुँचे हैं, तो मैं आपको अब उन किसानों के बीच लिए चलता हूँ जो कि अपना आवेदन तैयार कर रहे हैं, जो अपना अपील तैयार कर रहे हैं। आखिर 60 दिनों बाद किसानों का हाल का है, आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ।
तो मैं दिखा रहा हूँ 60 दिनों बाद किसानों का आंदोलन किस रूप में चल रहा है, कैसा चल रहा है और हो क्या रहा है। ये देखिए अभी भी हाथों में तिरंगा है और वो आंदोलन को अपने इसी तरीके से चला रहे हैं। किसान पैदल मार्च कर रहे हैं, किसान मंत्रालय जा रहे हैं, किसान अपील प्रस्तुत कर रहे हैं, किसान सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया हुआ क्या है। और मेरे साथ युवा साथी है, युवा किसान भाई है, उनसे जरा पूछते हैं क्या हाल है 60 दिन। हाल तो अभी भी बेहाल है और हम ना हमारे अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश में अभी भी आगे बढ़ा था, जैसे जैसे होकर दिशा निर्देश है वैसे वैसे हम आगे बढ़ा था। तो आज जन है कहाँ रखे हो आप? आज भी ये गाना ही है। क्या कहना है गाना के मार? गाना है जो किसान की सुनते हैं हम उनको चुनेंगे इन फ्यूचर। जो किसान को सुनते हैं हम उनको चुनेंगे। हाँ, जो किसान की सुनते हैं हम उनको चुनेंगे, अपना हक तो अब हम लेकर ही जाएंगे, अपना हक तो अब हम लेकर ही जाएंगे। ऊपर से नहीं है हम अंदर से किसान के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से किसान के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के। बंदे कमाल के हैं, बिल्कुल बिल्कुल बंदे कमाल के हैं सभी युवा। छोड़ के आओ यार। हाँ, तो 60 दिनों बाद भी जो है नहीं, आप लोग लग रहा है कि स्थिति नहीं सुधरी। सरकार कहा थे जने मांग तो पूरा कर दें, 8 में से 6 जने पूरा हो गए। सर अभी भी सुनने में आया है, कल ही जैसे आंदोलन का बात चला कि आज आंदोलन होने वाला है, उनको लगा कि मंत्रालय घेराव है करके। निश्चित रूप से उन्होंने हमको घेरा हुआ है, आज चारों तरफ आप देख लीजिए हम मंत्रालय घेराव तुहार मन के और तुमन कहा तो सरकार हमल लगे उन विडंबना है। हम तो घेरने से रहे लेकिन आज जो ये पूरा छत्तीसगढ़ शासन उन्होंने बता दिया है कि किसानों को उन्होंने कैसे घेर के रखा है, कैसे पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, कि कैसे उन्होंने हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ लागू करके हमारे लिए जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उसको पूरा विफल कर डाला है। युवा किसान का सोचते? युवा किसान सोचते कि हमला जो हमारे मांग नहीं है ये हा वही सरकार दूहू के है, तेला दे बर ओमन हा इतना पब्लिक आ है उहिल दे दे सरकार हा। हमर मन के यही सिपाही से मुख्यमंत्री से हमन यहाँ तपती धूप में खड़े हन, हमर लोग लड़का मन तपती धूप में आ है, पढ़ाई लिखाई उकर मन सब छूट गए है। हमर सरकार से निवेदन है, हमर जो दूहू के सरकार है तिहिल दे दे भैया, हमारा वो नेता कोई मांग है ही नहीं है। 60 दिन का हाल है? 60 दिन लगातार हम 2 महीने से यहाँ पे आंदोलन में हैं और हमारी मांगों को हम पूरा करने के लिए आज मंत्रालय घेराव की ओर हम पहुँच रहे हैं। जी भैया के जिन सफेदी गजब, बिल्कुल सफेदी हमारा शान है और शांति भी है। और शांति भी है और हम शांति से हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे। जी जय सत जय सतना। तो जिन्हें असर हुआ थे? बिल्कुल असर हुआ थे, पूरा आज हमर पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश देखा थे कि हमर नवा रायपुर के किसान मांग लगातार आंदोलन आज 60 दिन से भी लगातार डटे हुए हैं। जी और आज जिन अपील होने वाले वो अपील से बात बनी? बिल्कुल बिल्कुल। मंत्रालय घेराव है ना, मंत्रालय का मतलब होता है मंत्रणा करना। 60 दिन हो गया है हमको बैठे, आज इतना करीब होके भी हमारे किसानों के लिए कोई मंत्रणा नहीं कर रही है। हम आज तीन मंत्रणा तो हो रही है, 3 बार की बातचीत हुई है, मतलब मंत्रणा तो हुई है ना, लेकिन हमारे साथ उन्होंने मतलब कागजी कार्रवाई में बस पेपर आउट बस हुआ है, उसमें चिंतन और चिंतन ही किया नहीं है। वो किसानों को बस गुमराह कर रहे हैं कि हमने 6 मांगों को पूरा कर दिया है, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। और ये किसान आंदोलन के 60 दिन के बाद का माहौल देखिए, लड़ेंगे किसान एकता, किसान एकता, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो मांगे पूरी करो ये 60 दिन से बस यही चल रहा है। और का हाल के जरिए मैं हाल दिखा रहा हूँ कि भाई असल में हाल अभी 60 दिनों बाद है क्या, ये 60 दिनों के बाद ये आंदोलन की स्थिति यही बनी हुई है, आगे ये किस रूप में दिखाई देगी ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।